So this is how you score 200 out of 200 in CUT 2024 Political Science exam. Let's cut to the chase. तो बेसिकली आज की वीडियो में पांच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी रिसोर्सेस आपके लिए सही रहेंगी, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा, फिर रिवीजन टिप्स मैं आपको बताऊंगा और आखिरी में आपको बताऊंगा कि आपको कितना और कैसे पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आंसर करना चाहूंगा। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, कॉमेंट्स आ रहे हैं कि भैया CUT के लिए हम मॉक टेस्ट कहाँ से दें, मॉक टेस्ट के लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म बता दीजिए। तो देखिए, एग्जाम फैक्टर ने लॉन्च कर दिया है ह्यूमैनिटीज़ के सारे मेजर सब्जेक्ट्स के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट, और आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट के मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एग्जाम फैक्टर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर सभी सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट में आपको 10 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें से 7 सेल्फ पेस्ड हैं, उन्हें आप कभी भी दे सकते हैं, और 3 मॉक टेस्ट लाइव होंगे जो बिल्कुल एग्जाम वाला फील आपको दिलाएंगे। आप चाहे तो महापैक भी परचेज कर सकते हैं, महापैक में आपको सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, तो टोटल में आपको 60 मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मेरा कूपन कोड GURU EF10 यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी खासियत इन मॉक टेस्ट की ये है कि जब आप मॉक टेस्ट दे देंगे ना, तो आपके पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करा जाएगा और एंड में आपको बताया जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपसे अच्छे से बनते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको मालूम चल जाएगी तो सोचिए आपका प्रिपरेशन कितना आसान हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से पता रहेगा कहाँ पर मेहनत करना है, कहाँ पर नहीं करना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एग्जाम फैक्टर की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डाल रहा हूँ, उस पर क्लिक करके सारे मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं, उन्हें परचेज कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको स्टार्टिंग में फ्री मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे, वो भी आप देकर देख सकते हैं। अगर आप एग्जाम फैक्टर के क्रैश कोर्सेज परचेज करते हैं तो उसमें ये मॉक टेस्ट इंक्लूडेड रहेंगे पहले से, लेकिन अगर आप चाहें तो मॉक टेस्ट आप अलग से भी परचेज कर सकते हैं। तो ज़रूर से इन्हें परचेज करिए और अपने CUT के प्रिपरेशन को एक बूस्ट दीजिए। अब हम सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले द राइट वे, मतलब सिलेबस को कंप्लीट करने का सबसे सही तरीका क्या है, मतलब कैसे हम ये माने कि अब ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको फॉलो करना है NMP स्ट्रेटजी, समझाता हूँ। N से मेरा मतलब है NCERT, क्योंकि CUT का पूरा पेपर NCERT से बनेगा, तो आपको NCERT बहुत अच्छे से आना चाहिए। जाने के बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि भैया डिलीटेड टॉपिक्स या फिर एक्स्ट्रा टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आए थे पर CUT में आ रहे हैं, तो क्या उनके लिए कोई अलग से बुक वगैरह लेनी पड़ेगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो टॉपिक्स आपकी लेटेस्ट NCERT में नहीं है वो आपको ओल्ड NCERT में मिल जाएंगे। तो पढ़ना तो आपको NCERT ही है, ओल्ड NCERT का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। तो सबसे पहले NCERT आपसे बहुत अच्छे से बनना चाहिए। आपने बोर्ड एग्जाम के लिए NCERT को पढ़ा था, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि NCERT अच्छे से नहीं हुई है, तो आप हमारे चैनल की एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की एक्सप्लेनेशन वीडियोस में लाइन बाय लाइन हमने NCERT को एक्सप्लेन करा है। तो आपको NCERT करना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर इसके बाद M और P से मेरा मतलब है MCQs एंड PYQs। अब ये हमें कहां से करना है? 3 जगह से आप कर सकते हैं। सबसे पहले YouTube पर हमारे चैनल पर बहुत ही शानदार CUT के लिए MCQ सीरीज आ रही है, ह्यूमैनिटीज के हर एक मेजर सब्जेक्ट की, तो आपको वो वीडियोस देखना है। पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस आना स्टार्ट हो गई हैं, उसमें सारे इंपॉर्टेंट MCQs हम करा रहे हैं, और जी हाँ, उसमें PYQs भी इंक्लूडेड हैं। और जो आपके लिए टीचर्स वीडियोस बना रहे हैं, उन्हें खुद CUT में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें। एग्जाम्पल के लिए अदीशा जो पॉलिटिकल साइंस की वीडियो बना रही हैं, उन्होंने CUT में 800 में से 800 मार्क्स स्कोर करे थे। तो आप आँख बंद कर हमारी वीडियोज़ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारी वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उन वीडियोज़ से आपको MCQs और PYQs की तैयारी करना है। फिर इसके बाद आपको गूगल पर भी बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी और आप क्वेश्चन बैंक्स भी परचेज कर सकते हैं। मैं आपको इतने सारे सोर्सेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि CUT के लिए जितने ज़्यादा आप MCQs प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। तो NMP याद रखिए, सबसे पहले NCERT करना है, फिर जितने ज़्यादा MCQs आप कर सकते हैं उतना अच्छा, और PYQs आपको करना है। ये 3 चीज़ें अगर आपने कर ली ना, तो फिर आपको टेंशन लेना ही नहीं है, CUT में आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर इसके बाद द राइट रिसोर्सेस,
मतलब कौन सी ऐसी रिसोर्सेस रहेंगी जिससे हम पढ़ सकते हैं वो आपके लिए बेस्ट रहेंगी। तो इस पर मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है जहां पर मैंने आपको सारी फ्री रिसोर्सेस भी बता दी हैं और पेड रिसोर्सेस भी बता दी हैं। तो ज़रूर से उस वीडियो को आप चेक करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो से ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, डोमेन्स के बारे में भी बता दिया है, इंग्लिश टेस्ट के बारे में भी बता दिया है और आपके GT के बारे में भी बता दिया है। तो वो वीडियो आप देख लेना, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। फिर इसके बाद पांच बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मुझे आपके साथ शेयर करना है। नंबर वन, जब आप MCQs की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जितने भी MCQs आपसे नहीं बन रहे हैं, या तो उन्हें टिक कर लीजिएगा या फिर उन्हें एक कॉपी में लिख लीजिएगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब फ्यूचर में आप रिविजन करेंगे तो फिर से सारे MCQs पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या फिर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपसे नहीं बन रहे थे सिर्फ वही आप देखेंगे, जो बन रहे थे उनमें बार बार टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये याद रखिएगा। फिर सेकेंड पॉइंट, इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है बट आई विल ट्राई। देखिए, हम NCERT को बार बार पढ़ते हैं, हमें लगता है ये राइट अप्रोच है, लेकिन कुछ समय बाद यही अप्रोच एक गलत साबित हो जाती है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि क्या होता है, जब NCERT आप बार बार पढ़ते हो ना, तो आपको एक प्रकार से NCERT रट जाती है। इस पेज नंबर में ये टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, और आपको ऐसा लगने लग जाता है कि अब आपसे सब बन रहा है। लेकिन याद रखिए, क्वेश्चन आंसर में क्या होता है, हम टॉपिक से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन MCQs में एक लाइन उठकर आ जाती है और MCQ बन जाता है। तो यहाँ पर NCERT को कुछ समय के बाद आपको बंद कर रखना होगा और पूरा फोकस MCQs की तरफ करना होगा। अगर आप सिर्फ NCERT करते जाओगे ना, तो आपको दिमाग में ऐसा लगेगा कि आपसे सब बन रहा है, लेकिन एग्जाम वाले दिन क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए एक समय के बाद NCERT बंद कर देना और फोकस MCQs की तरफ कर देना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर इसके बाद अभी से एक सेपरेट कॉपी बना लो पॉलिटिकल साइंस के लिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, डेट्स, नेम्स, कुछ भी इंपॉर्टेंट जो CUT में आ सकता है, उसे एकदम शॉर्ट में उस कॉपी में लिख लो। इस पॉइंट को स्किप मत करना, अभी आलसी मत करना। ये सेपरेट कॉपी बाद में रिवीजन करते टाइम आपको बहुत हेल्प करेगी, तो सेपरेट कॉपी बनाना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद अपनी चैनल की बात करूंगा। आपको प्रमोशन लग रहा है तो लगने दो, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैनल पर जितनी भी वीडियोज आ रही हैं MCQs की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों ने हमारी फसना पक्का है सीरीज नहीं देखी थी बोर्ड एग्जाम में और वो आज भी रिग्रेट करते हैं। तो CUT में आपको ये रिग्रेट ना हो, इसलिए हमारी MCQs की वीडियोस देख लेना। वो पूरी NCERT बेस्ड है, पूरी NCERT का आपका रिवीजन हो जाएगा। वो वीडियोस CUT में आपकी बहुत हेल्प करेंगी, तो जरूर से उन्हें आप देखना। फिर इसके बाद आखिरी टिप, अगर आप YouTube वीडियो से या फिर क्वेश्चन बैंक से MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक बार क्वेश्चन के आंसर को NCERT से ज़रूर मैच करिएगा। हाँ, मुझे मालूम है ये थोड़ी सी अलग टिप है, लेकिन बताना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, वीडियोस बुक्स में कोई आंसर गलत दिया होता है, हम उसे सही समझ लेते हैं, और अगर हमारी किस्मत ख़राब रही और वही क्वेश्चन आ गया और हमने गलत आंसर लिख दिया, तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो एक बार अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में, तो आंसर को NCERT से ज़रूर से मैच करना। इसके बाद फिर अगर हम रिविजन टिप्स की बात करते हैं, तो रिवीजन के लिए आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। जब आप ये MCQs वीडियोस की प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप NCERT का रिवीजन होगा। साथ में आपने सेपरेट कॉपी अगर बनाई होगी, उससे आप अपनी पढ़ाई करेंगे, आपने सेपरेट नोट्स बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स, उससे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप आपका रिवीजन होने लगेगा। और जैसे मैंने बताया, रिवीजन में वो वाले टॉपिक्स पर आप ज्यादा फोकस करेंगे जो आपसे नहीं आते हैं, जो आते हैं उनमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब आप पढ़ाई करेंगे, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, तो रिवीजन आपका अपने आप हो रहा होगा। इसके लिए आपको अलग से दिन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। इसके बाद आखिरी में एक सवाल बहुत ज्यादा बच्चे पूछते हैं कि भैया हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए डेली रूटीन के लिए, मतलब कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट कैसे बैलेंस करना चाहिए। एंड स्क्रीन में वीडियो डाल रहा हूं, पूरी एक वीडियो मैंने बना दी है, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा है कि डेली रूटीन आपका क्या होगा, आप डेली गोल कैसे सेट कर सकते हैं, तो वो वीडियो जरूर से देखिए। आगे जिन भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूं आने वाली बहुत सारी वीडियोस में। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया, आप सभी को ऑल द बेस्ट।